सेकंड सैमुएल दूसरा शमूएल अध्याय 5 वर्स 2 दोन याचा पाचवा अध्याय अध्याय 5 त्याचं 2 उसका 2 सेकंड सैमुएल दूसरा शमूएल अध्याय 5 त्याचं 2 उसका 2 फिर भूतकाल में जब शाऊल हमारा राजा था तब भी इसराइल का अगुआ तो ही था। यहोवा ने तुझसे कहा मेरी प्रजा इसराइल का चरवाहा और इसराइल का प्रधान तो ही होगा। गत काली शाऊल आमचा राजा असता इसराइल लोकांचे नियाण करणे पुढारी आपणच होता आणि परमेश्वर आपणास म्हणाला होता की माझी प्रजा इसराइल दिसा मेंढपाळ अधिपती तूच होशील। हे आपण डोळे बंद करून प्रार्थना करू। आओ आपण बंद करीने प्रार्थना करीने पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आते हैं। मेरे राजा मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता वचन की सेवा को आपके हाथों में देते आपका वचन क्या ही सुंदर क्या ही पवित्र क्या ही शुद्ध है। इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए सहायता करना ये मेरी विनती मेरी प्रार्थना है। दया रखना मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता ये मेरी खास विनती है। हम सभीयों को आपके हाथों में देते आप हमारी ढाल आप हमारा कवच हो। वचन हम ध्यान से सुने और सुनकर पालन करने वाले बनने के लिए मदद करना प्रभु यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम यहाँ दाविद के बारे में देखते हैं। दाविद के बारे में हम ये देखते हैं कि वो पहले राजा बनने से पहले क्या था चरवाहा था। राजा एक ऐसा चरवाहा था जो भेड़ बकरियों को चराता था। तो ऐसा मेंढपाळ होता तो मेंढरा सारा परमेश्वर ने जिसे राजा बनने के लिए चुना अपने इसराइल देश के ऊपर एक प्रधान होने के लिए राजा बनकर अपने लोगों को चराने के लिए अपने लोगों को संभालने के लिए ऐसे व्यक्ति को चुना जो एक चरवाहा है। देवाने एक राजा होने स्वतः मेंढरा सारा राजा बनाने से पहले दाविद कौन था चरवाहा था। दाविद राजा होने से पहले तो कौन होता तो एक मेंढपाळ। मैं आपको बताती हूँ दाविद फेमस कब से हुआ। मैं तुम्हारा सांगते दाविद फेमस केव्हापासून झाला। दाविद को कोई पहचानता नहीं। दाविदाला कोणी ओळखत नव्हतं। एक ऐसा चरवाहा था जिसके भाई लोग उसे ध्यान भी नहीं देते थे माइंड भी नहीं करते थे। बराबर से बर्ताव नहीं करते जब वो अपने भाइयों को जहाँ युद्ध चालू था वहाँ वो आया तो उसके भाई लोग उससे गुस्सा हुए तो भेड़ों को छोड़कर यहाँ क्या युद्ध देखने के लिए है तमाशा देखने के लिए है इस रीति से उसका अपमानजनक शब्द से उसके साथ कर रहे थे। जिथे युद्ध चालू होता तिथे जेव्हा दावी दादा तेव्हा त्याचे जे भाऊ होते त्याच्यावरती जळण करून ते लोक त्याला म्हणू लागले त्याला ओरडू लागले की तू इथे कशाला आलेला आहेस तू स्वतःचे मेंढपाळगिरी सोडून इथे युद्ध करायला आलेला आहेस इधर छोड़ के आया क्या तू। मेंढरा तो सोडून आला असता क्योंकि वो क्या करता था भेड़ो को चराता था। कारण तो मेंढरा चारत होता और भेड़ो को चराने के लिए वो दूर दूर जाता था। मेंढरा चारण्यासाठी तो लांब लांब जायचा एक एक भेड़ की वो रखवाली करता था एक एक मेंढराची तो चांगली राखणदार ख्याल करता था त्यांची काळजी घ्यायचा। तो हम यहाँ देखते है लेकिन मैं आपको बताने की चाहती हूँ की दावीद सुनाम फेमस कैसे हुआ मालूम। आणि मी तुम्हाला एक सांगू इच्छिते की दाविद इतका फेमस कसा झाला माहित आहे गोलियात के कारण। गोलियात हम अक्सर सोचते की दाविद ने गोलियात को मारा मी असा विचार करतो की दाविदाने गोलियाला लेकिन उस गोलियात नाही आता तो कोई दाविद को पहचानता क्या। जर गोलियात आला नसता तर दाविदाला कोणी ओळखलं असतं का। कि दाविद नाम का कोई एक लड़का है चरवा है दाविद नावाचा एक मुलगा है जो मेंढपाळ है हाँ मेंढों को चराता है तो मेंढरांना चारा होतो हाँ वो परमेश्वर की भक्ति करता है आणि तो देवाची भक्ति करता बहुत अच्छी रीति से वीणा बजाता है खूप सुंदर रीति ने वीणा वाजवतो अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला गायक है वो आणि चांगले वाद्य वाजवून गाणारा तो एक गायक है भूतों को भगाने वाला है भूतांना पळवणारा है ये बात किसी को मालूम पड़ती आणि ही गोष्ट ना कोणाकडे माहित पडली असते। शेरों को शेरों के साथ लड़ने वाला आणि सिंहांबरोबर लढणारा भालू के हाथ मुंह से अपनी भेड़ को निकालने वाला असुराच्या तोंडातून आपल्या मेंढराला पकडून काढून आणणारा कि कोई जान सकता था यानी कोई ओळखू शकला असता का नहीं किसी को मालूम नहीं पड़ा कोणालाच माहित पडलं लेकिन गोलियात आने से मालूम हुआ। गोलियात आल्यामुळे माहित झालं गोलियात आने से हुआ क्या मालूम गोलियात आल्यामुळे झालं काय माहित 40 दिन तक गोलियात लोगों को पुकार रहा था कि तुम्हारे बीच में से कोई आओ मुझसे ये लड़े अगर मैं हारा तो हम गुलाम अगर तुम हारे तो वो हार गया तो तुम गुलाम। 40 दिवसापर्यंत जो गोलियात होता लोकांना आवाहन करत होता की जर तुमच्यामधलं जर कोणी आमच्याशी लढून जर आम्ही हारलो तर
आम्ही तुमचे गुलाम आणि जर तुम्ही हरलात तर तुम्ही आमचे गुलाम. गोलियात था को पण गोलियात होता राक्षस. तो एक राक्षस राक्षस को देख के इंसान तो डरेंगे ना. आणि राक्षसाला बघून तर माणूस घाबरणार क्योंकि राक्षस बड़ा ऊंचा. कारण राक्षस मोठा उंच दिपाड उसके सामने इंसान किती के जैसा छोटा सा दिखता. आणि त्याच्या समोर माणूस एका टोळा सारखा दिसत होता एकदम छोटा सा. किसी बड़े व्यक्ति को देखने के बाद हमारे अंदर भी डर आएगा ही ना. मोटे व्यक्ति का पाया अपने मध्य भीति है. इसलिए इसराइली प्रजा के जो सैनिक थे सोल्जर थे शौन था वो सब उसको देखते ही डर गए पीछे गए कोई जाने के लिए तैयार नहीं था. इसराइली सैन्य जे सैनिक होते थे बगुन घाबरून गए सभी जन मागे हट गए. गोलियात आया गोलियात आला इसलिए दाविद की पहचान हुई. दाविद अशी ओळख झाली. आप सबको तो मालूम ही है तुम्हाला सर्वांना माहित आहे गोलियात की कहानी और दाविद की कहानी. गोलियाताची गोष्ट आणि दाविदाची गोष्ट. दाविद ने परमेश्वर के नाम से गोलियात को मारा. आणि दाविदाने गोलियाताला देवाच्या नावाने मारला. जो गोलियात को कोई नहीं मार सकता. गोलियाताला कोणी मारू शकत नव्हते. लढा तो त्याच्याशी लढला. उसकी गर्दन काटी त्याची मान कापली परमेश्वर के नाम से देवाच्या नावाने. बस उस दिन से वो फेमस हो गया. आणि बस देवापासून तो फेमस झाला. इसलिए मैं आपको दाविद का भी विषय निकला इसलिए मैं बता रही थी नहीं तो ये विषय नहीं था मेरा. दाविद का विषय निकला उन्होंने तुम्हारा सांगितलं बल्कि हमारा विषय होता. हमेशा याद रखना परमेश्वर हमें भी फेमस करना चाहता है. देवाला आपल्याला ही प्रसिद्ध करायचा आहे. और इसीलिए परमेश्वर हमारे जीवनों में समस्याओं को लाता है. देव आपल्या जीवनामध्ये समस्यांना. हाँ गोलियात गोलियात बोला तो एक समस्या है. गोलियात म्हटलं तर एक समस्या. और जब हम उससे लड़ते हैं जेव्हा आपण त्याच्याशी लढतो हारते नहीं हारत नहीं डरते नहीं घाबरत नहीं परंतु उसका सामना करते हैं. त्या व्यक्तीचा सामना करतो डटकर सामना करते हैं. आणि एकदम कसून सामना करतो उस समय त्यावेळेला हम फेमस हो जाते हैं. आपण प्रसिद्ध होतो हमारे लोगों में भी आपल्या लोकांमध्ये. क्योंकि दावीद किस में फेमस हुआ. कारण दावीद कोणामध्ये प्रसिद्ध झाला. पॅलेस्टीन देश में भी पॅलेस्टीन देशात पण जो शत्रु थे. जे शत्रु होते वहां पर भी फेमस हो गया. ते पण तो प्रसिद्ध झाला. आपले इस्राएल देश में भी फेमस हो गया. स्वतःच्या इस्राएल देशामध्ये पण प्रसिद्ध झाला. विजय पाने से उसका स्थान बड़ा हो गया. आणि विजय प्राप्त केल्यामुळे त्याचं स्थान. इसलिए तो स्त्रियों ने कहा ना. म्हणून स्त्रिया म्हणाल्या ना. शाऊल ने मारा हजारों को. शाऊलाने हजारांना मारल्या. और दाविद ने मारा लाखों को. आणि दाविदाने लाखोंना मारले. यही सुन के तो शाऊल को अच्छा नहीं लगा. आणि हेच ऐकून शाऊलला आवडलं नाही. इसलिए प्रियो कभी भी याद रखना. म्हणून प्रियानो कधीही लक्षात. हमारे जिंदगी में जब समस्या आती है आपल्या जीवनात जेव्हा समस्या येते तो डरो मत. तेव्हा घाबरू नका. उसका डटकर सामना करो. आणि त्याचा हिंमतीने सामना करा. परमेश्वर आपको ऊंचा करना चाहिए. कारण देवाला तुम्हाला ऊंच करायचं आहे. आपकी पहचान लोगों को दिखाना चाहता है. तुमची जी ओळख आहे ती लोकांना दाखवायची आहे. आप जो कर रहे हो भक्ति परमेश्वर की. आणि तुम्ही जी करत आहात देवाची भक्ति. हाँ वो लोगों के सामने दिखाना चाहता है. लोगों ने समूह प्रकट कराए. आपको ऊंचा करना चाहता है. तुम्हारा ऊंचा कराया. आप एक सामान्य व्यक्ति नहीं हो. तुम एक सामान्य व्यक्ति नहीं. ये प्रभु दिखाना चाहता है. ये देवाला दाखवायचा. हालेलुया 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 हालेलुया. इसीलिए देखो दाविद एक सामान्य व्यक्ति नहीं था. दाविद एक साधारण व्यक्ति नव्हता. वो परमेश्वर का चुना हुआ पात्र था. वो देवाचा निवडलेला पात्र होता. आप चुने हुए पात्र हो. तुम्ही निवडलेले पात्र आहात. है ना. आप मामूली लोग नहीं हो. तुम्ही साधारण लोक नाही आहे. जगत बनाने से पहले आपको चुना है. आणि सृष्टी निर्माण व्हायच्या अगोदर देवाने तुम्हाला बनवलं. परमेश्वर ने आपको बनाया है. आणि देवाने तुम्हाला बनवलेलं. आज आप प्रभु के चरणों में हो. आणि आज तुम्ही देवाच्या चरणामध्ये. चुने हुए पात्र. आणि निवडलेले पात्र. ऐसे छुपा हुआ नहीं रखना है आपको. आणि असं तुम्हाला लपवून नाही ठेवायचं. आपको खुला करना है प्रभु को. आणि देवाला तुम्हाला काय करायचं मोकळं करायचं उघड करायचं. हाँ ताकि लोग जाने की लोकांनी तुम्हाला ओळखावं. हे मेरा भक्त है. की हा माझा भक्त आहे. हे मेरा चुना हुआ पात्र. निवडलेला पात्र. इसीलिए परमेश्वर हमारी जिंदगी में गोलियात भेजता. आणि म्हणून देव आपल्या जीवनामध्ये गोलियाताला पाठवतो. दाविदने पांच पत्थर लिए. आणि दाविदने पांच दगडे घेतली होती. क्योंकि गोलियात के चार भाई थे. कारण गोलियाताचे चार भाऊ होते. वो तयारी में था. आणि ते तो तयारीतच होता. दाविद अगर गोलियात के बाद अगर उसके चार भाई भी युद्ध के लिए आए तो मैं लड़ने के लिए तयार. आणि गोलियाता नंतर जर त्याचे चार भाऊ लढायला आले तर मी लढण्यासाठी तयार आहे. वो उसका प्रिपरेशन था. आणि त्याची तयारी होती. मैं तयार हूँ. मैं विश्वास है अगर गोलियात भी आए मरा उसके बाद चार भाइयों को भी मैं मारूंगा. आणि गोलियात मेरा तर त्याच्यानंतर त्याच्या चार भावांना पण मी मारून टाकेल. इस रीति से वो तैयार दिखा रहा था उसका विश्वास. आणि अशा रीतीने तो स्वतःचा विश्वास दाखवतो. तो वैसे ही प्रभु भी आपसे यही चाहता है. मग तसंच देवाला पण तुमच्याकडून हेच पाहिजे. आपको राजा बनाने के लिए. तुम्हाला राजा बनवण्यासाठी. क्योंकि ये चरवाहा राजा कब बना. कारण हा जो मेंढपाळ राजा केव्हा झाला. पहिला चरवाहीगिरी करकर गोलियात तो मारने के बाद फेमस हुआ. मेंढपाळगिरी करून त्याने गोलियाताला मारल्याच्या नंतर तो प्रसिद्ध झाला. और उसके बाद वो राजा के स्थान पर आया. आणि त्याच्यानंतर तो राजाचा स्थानावर आला. तो परमेश्वर भी आपको वैसे ही चुना है. आणि देवाने पण तुम्हाला असंच निवडलेलं आहे.
परमेश्वर चाहता है कि आप चरवाही गिरी कर आप क्या करें, आप एक अच्छे ऐसे दास बनकर परमेश्वर के चुने हुए पात्र बनकर फिर आप एक राजा का स्थान नियोग करें। तुम्ही चांगली मेंढपाळगिरी करून चांगला देवाचा दास बनून तुम्ही काय करावं, नंतर एक राजाचं स्थान करावं। प्रभू ने आप सबको चरवाहा बनकर चुना आणि प्रियांनो तुम्हा सर्वांना देवाने एक मेंढपाळ म्हणून निवडलंय। मोसेस भी, मोसेस सुद्धा परमेश्वर ने मोसेस को चुना, लेकिन मोसेस को अपने इसराइल के लोगों के ऊपर अथॉरिटी देने से या उनका चरवाही या मतलब उनका लीडर बनाने से पहले आपको मालूम है मोसेस भी चरवाही गिरी करता था। आणि मोशे हा इस्राएल लोकांवरती अधिकारी नेमण्याच्या अगोदर एक मेंढपाळगिरी करत होता। पण दुसरे वचन को पाचवे वचन निर्गमन अध्याय 3 उसका 1 निर्गमन अध्याय 3 जैसे 1 एक्सोडस निर्गमन चैप्टर 3 अध्याय 3 वर्स 1 जैसे 1 मोशे आपला सासरा मिद्यानी याजक एत्रो याची शेरडे मेंढरे चालत होता आणि तो आपला कळप रानाच्या पिछाडीस देवाचा डोंगर बोरी बेतवर घेऊन गेला। हम क्या देखते हैं कि वो भी क्या कर रहा था, वो भी अपने ससुर के सारे भेड़ बकरियों को चरा रहा था, वो भी चरवाही गिरी कर रहा था। आणि तो पण आपल्या सासऱ्याच्या जे मेंढर आहे त्यांना तो चालत होता म्हणजे मेंढपाळगिरी करत होता। क्यों परमेश्वर ने अपने लोगों के ऊपर एक ऐसे लीडर को रखा, अपने लोगों के ऊपर एक ऐसे राजा को चुना जो चरवाही गिरी कर रहा है। आणि का देवाने एक अशा राजाने नियुक्त केलं जे पहिले मेंढपाळगिरी करत होते और ऐसे लीडर को रखा मोसेस को जो पहले चरवाहा था। आणि अशा लीडरला ठेवलं की जो पहिले मेंढपाळ होता। इसका कारण ये है, आणि याचं कारण हे आहे की जो चरवाहा होता है जो मेंढपाळ असतो तो अपनी भेड़ों को अच्छी रीति से संभाल पाता, तो आपल्या मेंढरांना चांगल्या पद्धतीने सांभाळतो, जो भेड़ों को संभाल सकेगा तो मेंढरांना सांभाळू शकतो, मेरे लोगों को भी संभाल पाएगा, माझ्या लोकांना पण सांभाळू शकतो। इसी कारण से परमेश्वर ने चरवाही गिरी ये काम दावीद से और मोसेस से करवाया। आणि म्हणून देवाने दाविदाकडून आणि मोशेकडून मेंढपाळगिरी हे काम करून, क्योंकि भेड़ जो होती है कारण जी मेंढर असतात वो नादान होती है, ती नादान असतात, उन्हें इतना सोचने वाला दिमाग नहीं रहता, आणि त्यांना इतकं विचार करण्याचं डोकं नसतं, जल्दी आसानी से भटकाने में आ सकते आणि सहज ते भटकवण्यामध्ये येतात। इसी कारण से याच कारणामुळे परमेश्वर ऐसा चाहता है, ऐसा चरवाहा चाहता है जो ऐसे नादान निर्बल भेड़ों को चरवाही गिरी कर सके, उन्हें संभाल सके, उनकी रक्षा कर सके। आणि देवाला एक असा मेंढपाळ पाहिजे आहे जो नादान आहे ज्यांना ज्या मेंढरांना काही समज नाही त्यांना चांगल्या पद्धतीने तो सांभाळू शकेल, और चरवाहा ही अच्छा रीति से कर पाता, आणि मेंढपाळगिरी मेंढपाळ ही चांगल्या पद्धतीने करू शकतो। चरवाहा क्या करता है, मेंढपाळ काय करतो, वो भेड़ को जानकर कि ये निर्बल है, भटकाने में आ सकती है, गिर सकती है, नाश हो सकती है, चोरी हो सकती है, इसलिए वो क्या करता है, उन्हें संभालता है, उनका ख्याल करता है, उन्हें इकट्ठा रखता है। आणि मेंढरांना जाणून ही निर्बल आहे ही अशक्त आहे त्यांना सांभाळून तो काय करतो, त्या सर्वांना तो एकत्रित ठेवतो। पण एक दुसरं वचन वाचन वचनाला यशया यशया 40 उसका 11 त्याचा 11 यीशु मसीह भी, आप ये निकालने तक मैं बता रही हूँ, यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ। यीशु पण म्हणाला मी एक उत्तम मेंढपाळ आहे, और इसी कारण से प्रियो हमारा परमेश्वर भी एक अच्छा चरवाहा है, आणि याच कारणामुळे प्रियांनो आपला देव पण उत्तम मेंढपाळ आहे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की घटी न होगी, देव माझा मेंढपाळ आहे मला कोणत्याही गोष्टीची उणे राहणार नाही। इसीलिए प्रियो जब याकूब मरने पर था, याकूब मरण्यावरती होता, वो मृत्यु की शय्या पर था, आणि मृत्यूच्या शय्येवरती होता, तब उसने यही कहा, तो असंच म्हणाला की यहोवा जो मेरा परमेश्वर जो मेरा चरवाहा है, आणि देव जो माझा मेंढपाळ आहे, वो पूरी जिंदगी मुझे संभाला, तो पूर्ण आयुष्यभर त्याने मला सांभाळलं। उसके वो कन्फेशन ऐसा, परमेश्वर को चरवाहा क्यों कहा, आणि त्याने देवाला मेंढपाळ तो का म्हणाला, याकूब ने अपने परमेश्वर को चरवाहा क्यों कहा, आणि याकूब आपल्या देवाला मेंढपाळ का म्हणाला, क्योंकि वो खुद भी एक चरवाहा था, कारण तो एक स्वतः मेंढपाळ होता, याकूब ने भी चरवाही गिरी की थी, आणि याकूबाने पण मेंढरांना सांभाळलं, लाबान के घर पे, लाबानच्या घरी, यानी अपने मामा के घर पे, आणि स्वतःच्या मामाच्या घरी, इसलिए चरवाहा वो उसने चरवाहे का काम किया था, त्याने मेंढपाळाचं काम केलं होतं, इसलिए उसे मालूम है चरवाहे का काम क्या होता है, आणि म्हणून त्याला माहित आहे की मेंढपाळाचं काम काय आहे, कितना हार्ड रहता है, किती कठीण असतं, चरवाहे को कितना सॉफ्ट होना पड़ता है, आणि मेंढपाळाला किती सॉफ्ट असावं लागतं, चरवाहे को कितना केअरिंग करना होता है, आणि मेंढपाळाला किती मेंढरांची काळजी घ्यावी लागते, उन्हें मार्गदर्शन करना होता है, त्यांना मार्गदर्शन करावं लागतं, भेड़ों को समय देना होता है, मेंढरांना वेळ द्यावी लागते, ये सब वो कब जाना जब वो खुद चरवाहा होगा, आणि हे त्याने कसं ओळखलं जेव्हा तो स्वतः मेंढपाळ, इसी कारण से मरने से पहले उसने कहा मेरी पूरी जिंदगी में परमेश्वर मेरा चरवाहा है, आणि म्हणून तो मरायच्या अगोदर म्हणाला की माझ्या पूर्ण आयुष्यामध्ये माझा देव माझा मेंढपाळ आहे। आप वचन जेनेसिस में पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति मध्ये तुम्ही वचन वाचू 48:15
जेनेसिस 48 का 15 में आप पढ़ सकते हैं, याकूब ने ऐसा कहा। उत्पत्ति 15 मध्ये वाचू शकता की याकूब असं म्हणाला, मेंढपाळा प्रमाणे तो आपल्या कळपास चालेल। हाँ, वो क्या करेगा, चरवाहे करते समय वो अपने भेड़ों को चराएगा। कोकरे आपल्या कवेत घेऊन उराशी धरून वाहील। हाँ, वो क्या करेगा, जो निर्बल है, कमजोर है, छोटी है, उन्हें वो ख्याल करेगा, उनकी रक्षा करेगा। आणि कोरे पाजणाऱ्यांना सांभाळून घेईल। हाँ, उन्हें इकट्ठा करके क्या करेगा, अपनी खुशी में लेगा और उनको संभालेगा, उनको जो जरूरत है वो देगा। ये चरवाहे का काम है, मेंढपाळाचं काम आहे। इसीलिए दाविद और मोसेस, याकूब, ये सब चरवाहेगिरी करने के कारण उन्हें मालूम था कि भेड़ों को कैसा संभालने का। आणि दाविद, मोशे या लोकांना नेहमी, आणि याकूब यांनी मेंढपाळगिरी केली होती म्हणून त्यांना माहित आहे की मेंढरांना कसं सांभाळायचं। इसी कारण से प्रिय परमेश्वर ने याकूब इसको, दाविद को, मोसेस को लीडर बनाने से पहले, अपने लोगों का प्रधान बनाने से पहले चरवाही का काम दिलाया। आणि म्हणून देवाने मोशेला आणि जो याकूब होता आणि जो दाविद होता त्यांना एक अधिकारी नेमायच्या अगोदर देवाने त्यांच्याकडून मेंढपाळाचं काम करून घेतलं। हमारा प्रभु येशू भी हमारा चरवाहा आहे। आपला प्रभु येशू पण आपला मेंढपाळ आहे। इसी कारण से आज वो एक बड़ा प्रधान परमेश्वर के स्थान पर जाकर बैठा। जब उसने चरवाही हमारी की, तब जाकर आज वो परमेश्वर की दाहिनी ओर जा बैठा है। आणि जेव्हा त्याने आपली मेंढपाळगिरी केली त्याच्यानंतर जाऊन तो आज देवाच्या स्थानावरती, तो उच्च स्थानावरती बसलेला आहे। इसलिए अगर वो भेड़ों को संभाल सकता है चरवाहा, आणि जर मेंढपाळ मेंढरांना चांगल्या रीतीने सांभाळू शकतो, तो वो मेरे लोगों को भी अच्छा संभालेगा। तर तो माझ्या लोकांनाही चांगल्या पद्धतीने, अगर वो भेड़ों को प्यार कर सकता है, आणि जर तो मेंढरांना प्रेम करू शकतो, उनका ख्याल कर सकता है, त्यांची काळजी घेऊ शकतो, उनको चला सकता है, त्यांना चालू उन्हें मार्गदर्शन दे सकता है, मार्गदर्शन देऊ शकतो, ये मेरे लोगों को भी नाश होने से बचा सकता है, तो माझ्या लोकांनाही नाश होण्यापासून वाचवू शकतो। इसी कारण से परमेश्वर ने दाविद को और मोसेस को चरवाही गिरी की और चरवाही के बाद उनको लीडर बनवाया, प्रधान ठहराया। आणि म्हणून देवाने दाविदा आणि मोशेला पहिले मेंढपाळगिरीचं काम दिलं आणि नंतर त्यांना एक राजा आणि एक प्रधान म्हणून नियुक्त केलं। वैसे प्रिय प्रभु आपको भी चरवाहा बोलकर चुना है। आणि म्हणून प्रियानो देवाने तुम्हाला पण मेंढपाळ म्हणून निवडलं। आप सारे घर के जो पुरुष हो, आणि तुम्ही सर्व जे घराचे पुरुष, आपले घर के चरवाहे हो, स्वतःच्या घराचे मेंढपाळ आहात। इसीलिए आप भी परमेश्वर चाहता है, जो वचन हमने 2 सॅम्युएल चैप्टर 5:2 में पढ़ा, पण आज वचन आपण दुसरा शमूएल 5:2 मध्ये वाचलं। गतकाली शौल आमच्यावर राजा असता, हाँ, शौल के समय पर क्या था, वो हमारा राजा था, इस्राएल लोकांची नियाण करणारे पुढारी आपणच होता, लेकिन फिर भी हमें चलाने वाला, हमारा नेतृत्व करने वाला दाविद तू ही था। बड़े शौल राजा था, आणि बड़े शौल राजा होता, लेकिन हमारा लीडर, हमें चलाने वाला, हमें नेतृत्व करने वाला कौन था, तू ही था। जो लीडर आहे, जो पुढारी आहे, तो तूच होतास। आणि परमेश्वर आपणास म्हणाला होता, हाँ, परमेश्वर ने आपसे कहा कि माझी प्रजा इस्राएल हिचा मेंढपाळ, हाँ, मेरे भेड़, मेरी जो इस्राएल है उसकी प्रजा का तू क्या बन, चरवाहा, वो अधिपति तूच होशील और प्रधान भी तू ही बन। ये परमेश्वर की भी इच्छा थी कि दाविद क्या हो, चरवाहा हो और बाद में इस्राएल देश का प्रधान यानी राजा हो, जैसे हमारे देश का प्रधान मोदी है ना, तो वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि दाविद भी कैसे हो, इस्राएल देश का प्रधान हो, राजा हो। आणि देवाची इच्छा आहे की दाविदाने काय व्हावं, इस्राएल देशाचा अधिपती व्हावा। तो वैसे ही प्रियो आज परमेश्वर भी आपसे भी यही कहता है। आणि आज देव तुम्हाला पण हेच म्हणतो की परमेश्वर चाहता है की आप पहिले, परमेश्वर की इच्छा आहे की आप प्रधान हो जाए। आणि देवाची इच्छा आहे की पहिले तुम्ही प्रधान व्हावा, आप राजा बन जाए, तुम्ही राजा बनावा। इसके लिए पहिले आपको बनना पड़ेगा चरवाहा, आणि त्याच्यासाठी पहिले तुम्हाला बनावं लागेल मेंढपाळ। मैं फिर से बताती हूँ, पुनः तुम्हारा सांगते हैं, मैं बताया बड़ा है लेकिन मैंने शॉर्ट में वचन तैयार करा ला भी, थोड़े टाइम नहीं है ना हमारे पास, इसलिए कंक्लूजन में बता रही हूँ, यानी सारांश बता रही हूँ। सारांश सांगते, तो कहने का उद्देश्य, सांगायचा उद्देश्य, प्रभु ने आपको, देवाने तुम्हाला राजा बोलकर चुना, आप राजे हो, राजा म्हणून निवडलं, तुम्ही राजे आहात,
लेकिन आपका राज्य अभी तक चालू नहीं हुआ है। पर तुमचा राज्य आतापर्यंत अजून चालू नाही झाला। तो आप राजा हो तो राज्य होना चाहिए। तुम्ही राजा आहात तो तुमचा राज्य चालना चाहिए। राज्य चालले पाहिजे। हाँ, ये तभी होगा जब आप चरवाहा बनोगे। आणि हे तेव्हाच होईल जेव्हा तुम्ही मेंढपाळ बनाल। चरवाहा होने के लिए प्रभु ने आपके हाथ के नीचे आपकी पत्नी, आपके बच्चे, अपने लोग, अपने माता पिता, अपने घर के लोग दिए है। आणि मेंढपाळ होण्यासाठी देवाने तुमच्या हाताखाली तुमची पत्नी, तुमची मुले, तुमचे आई वडील सगळे दिलेले आहेत। हाँ, आपके घर के लोग आपकी भेड़े हैं। आणि तुमच्या घरातील लोक तुमची मेंढरा। जब तक आप चरवाहा नहीं बनोगे आगे आप प्रधान यानी राजा का स्थान नहीं पा सकते। आणि जोपर्यंत तुम्ही मेंढपाळ बनणार नाही तोपर्यंत तुम्ही राजाचं स्थान प्राप्त नाही करू शकणार। राजा बनना बहुत अच्छी बात है। आणि राजा बनणं खूप चांगली गोष्ट आहे। क्योंकि राजा के पास देखो कुछ कमी रहती है। कारण राजाजवळ बघा का कोणत्या गोष्टीची घटी असते का। उसके हाथ के नीचे क्या रहते हैं। राजा हाथा खाली का नौकर चाकर रहते हैं। सेवक असतात। राजा कमांड करता है। राजा आज्ञा देतो। और फिर लोग बलोकर हाँ महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, ऐसे ही होगा। हर एक हुकुम उसका माना जाता है। प्रत्येक हुकुम जैसा मानना देतो। राजा युद्ध के लिए जाता है क्या। राजा युद्धासाठी जातो का। नहीं, वो सिर्फ बोलता है अभी युद्ध करना है। तो फक्त बोलतो की आता युद्ध करायचं। सेनापति बोलता है बता किस कर रहा है। सेनापति म्हणतो सांग कोणाचं करायचं, कोणाबरोबर करायचं। राजा सिर्फ प्लॅनिंग बनाता है। आणि राजा फक्त योजना बनवतो। करने वाला सेनापति आगे जाके सब कुछ नेतृत्व करता है। आणि करणारा जो सेनापति है पुढे जाऊन नेतृत्व करतो। बाकी राजा बार बार राजा के पास आके बोलेगा आपने इतने सोल्जर मर गए क्या करूं, अभी थोड़ा सा आगे हो जाओ और डरो मत युद्ध तुम्हें ही जीतना है। इस रीति से राजा अगुवाई करता। आणि सेनापति राजाला सांगतो की आमचे एवढे सैनिक आता आपले एवढे सैनिक मेले आहेत आता पुढे काय करू। राजा पुढे त्यांना सांगतो की तुम्हाला त्यांना काय करायचं। हे राजा का लाईफ आणि हे राजाचं जीवन। प्रभु चाहता है की आप राजा के जैसे हो। देवाची इच्छा आहे की तुम्ही राजा प्रधान हो, प्रधान भावा, रिच हो, श्रीमंत, अथॉरिटी हो, अधिकारी, अधिकारी भावा। हाँ, आपके हाथ के आप अथॉरिटी पाने वाले अधिकारी हो। तुम्ही अधिकार प्राप्त करणारे एक अधिकारी असाल। आपके हाथ के नीचे वर्कर हो। तुमच्या हाताखाली वर्कर असाल। आप कमांड करने वाले हो। तुम्ही आज्ञा देणारे असावे। जैसे वो सरदार जिसका नौकर बीमार था। आणि तो जो सरदार होता त्याचा सेवक आजारी होता। हाँ, उसने आके येशु को कहा की तू सिर्फ कह दे। आणि तो येऊन येशूला म्हणाला तू फक्त बोल हो जाएगा। मैं जब बोलता हूँ कारण जब मी बोलतो वैसे ही होता है। तसंच होता है। तो तेरे पास भी अथॉरिटी है। तो तुझ्याजवळ पण अधिकार आहे। तू कहेगा हो जाएगा। तू बोलशील तसंच होऊन जाईल। तो राजा के पास भी वैसी अथॉरिटी है। प्रभु चाहता है आपके पास भी वही अधिकार हो की आप कहे और वही हो। आणि देवाची इच्छा आहे की तुमच्याजवळ पण असाच राजासारखा अधिकार असावा की तुम्ही जे काही बोलाल तसंच होईल। राजा महल में रहता है। राजा महिलात राहतो। आपका भी महल हो जाए। तुमचंही महल व्हावं। राजा के पास सोना चांदी होता है। राजा जवळ सोना चांदी असतं। रूपा रहता है। रूपा असतो। हिरे जवाहरात होते हैं। हिरे जवाहरात असतात। हथियार होते हैं। हथियार असतात। वो सब आपके पास हो। आधे सब काही तुमच्या जवळ असतं। लेकिन फरक इतना है। फरक इतना है। हथियार हम रख नहीं सकते। आपने हथियार रख सकते। आणि आपण हथियार ठेवू नाही शकत पण आपण हथियार ठेवू शकतो। बाकी सोना चांदी हिरे जवाहरात आप सबको प्रभु देगा। आणि सोना चांदी हिरे जवाहरात सगळं देव तुम्हाला देईल। लेकिन संसारिक हथियार गन बिन ने ये बोलेगा दीदी ने बोला है हथियार रख सकते हो। जो संसारिक हथियार है आपको नहीं ढेर सकता। चाकू भी को तलवार है छुपाना भी पाना ये सब नहीं हम नहीं रख सकते। चाकू तलवार लगू ढे वही सर आपको नहीं करो। चाकू रख सकते हैं। चाकू ढे भाजी काटने वाला है। भाजी काटने सकते हैं। वो रख सकते हैं चाकू नहीं तो भाजी कैसी कटेगी घर में। तो चाकू अपन टेबू सकता है भाजी कैसी कापना है। लेकिन जो हथियार रहता है ना मर्डर करने वाला हथियार वो चाकू नहीं रख सकते। खून करने के जो हथियार रहता है अपन नहीं टेबू सकते। तो कहने का उद्देश्य प्रभु चाहता है कि आप भी एक राजा एक प्रधान बने। देवाची इच्छा है कि तुम्हें एक राजा और एक प्रधान बना दो। लेकिन उसके पहले परमेश्वर आपके हाथ में चरवाही का काम दिया है। पण त्याच्या पहिले देवाने तुमच्या हातामध्ये एक मेंढपाळाचं काम दिलेलं आहे। मोसेस चरवाही अच्छा किया। आणि मोसेने चांगली मेंढपाळगिरी केली। दाविद ने भी अच्छी चरवाहीगिरी किया। दाविद पण चांगला मेंढपाळ झाला। याकूब ने भी अच्छी चरवाहीगिरी। याकूब पण उत्तम मेंढपाळ झाला। आप भी एक अच्छे चरवाहा बनो। आणि तुम्ही पण एक चांगले मेंढपाळ बना। ऐसे चरवाहा असे मेंढपाळ जो अपने भेड़ों को जमा करता है जो अपने मेंढरांना एकत्रित करतो उन्हें सॉफ्टली संभालता है त्यांना एकदम सॉफ्ट रीतीने उन्हें अच्छे रीति से अगुवाई करता है योग्य रीतीने तो अगुवाई करतो उनका ख्याल करता है जी काळजी घेतो। साम पंडितरी ने क्या लिखा है भजन संहिता 23 में क्या लिखा है। आणि सोडो म्हणजे 23 मध्ये काय लिहिलं आहे। हां
मला काही होणे पडणार नाही, देव माझा मेंढपाळ आहे मला काही होणे पडणार नाही. तर आपले काय करणार चाहिए, आपले लोगों को कुछ कम गिरना नहीं चाहिए वो काम करना चाहिए. आणि तुम्ही काय केलं पाहिजे, तुमच्या लोकांना काही कमी नाही पडलं पाहिजे अशी कामं तुम्ही केली पाहिजे. आप चरवा हो, तुम्ही मेंढपाळ आहात, आपले घर में किसी चीज की कमी घटी मत रखो. आणि तुमच्या घरात कोणत्याही गोष्टीची कमी घटी ठेवू नका. आगे दुसरं वचन, हरी चराइयों में बैठाता है और शांत जल के पास ले जाता है. आपका लाइफ ऐसा होना चाहिए कि घर में अच्छा शांति का वातावरण, आप रुद्र रूप धारण करके ऐसा करने वाले नहीं होने चाहिए. तुम्हारा स्वभाव जो है तो शांत असला पाहिजे, एकदम रागी ताकत नहीं असला पाहिजे. इतना मुक्त आटपट के देखो, तो कुछ आता नहीं, तो इसी चाहता हूँ मेरा जिंदगी बर्बाद कर दिया जब से मेरे जीवन में आ गई. और बस अकीदत की पढ़ो तो किधर मरती भी नहीं जाने किधर की, ऐसा बोलकर किन ताजा तवान आएगा के दिन. तो समझा, ताजा तवान नहीं होगा, शांति नहीं मिलेगी. क्या लिखा है, वो मुझे हरी हरी चरगाहों में बिठाता है, शांत जल के पास ले चलकर मुझे जी में जी ले आता है. है ना, तो हमारा जी में जी लाने के लिए आप ऐसे चरवाह बनो बाबा, अपने घर के लोगों के साथ, उसमें आपकी पत्नी है, अपने माता पिता है, अपने भाई बहन है, अपने लोग है, अपने बच्चे हैं, उनके साथ अच्छा रीति से बर्ताव करो. तुमच्या घरामध्ये जेवढे सदस्य आहेत त्यांच्याकडून तुम्ही चांगली वागणूक, आपसे शांती मिळणी चाहिए, तुमच्याकडून त्यांना शांती भेटली. आपको मालूम है भेड़ों को जब वो चरवाहे को देखते हैं शांति देते, आणि मेंढरे मेंढपाळाला बघून त्यांच्या जीवनामध्ये शांती. आपके घर के लोग, मेरा पप्पा, अरे बाप रे गया घर काम से, ऐसा नहीं बोलना चाहिए. आला वो बनो आता गेलं बाई मांडण चालू, आता म्हणे असं का झालं असं का झालं असं का झालं असं का झालं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए. आपको देखते ही उनको टेंशन नहीं आना चाहिए, आणि तुम्हाला पाहताच त्यांना चिंता नाही आली पाहिजे. तिसरा वो अपने नाम के निमित्त मेरी, तो आप भी आपका नाम है उनके साथ, आपकी पत्नी के साथ, अपने माँ बाप के साथ, आपके लोगों के साथ आपका नाम जुड़ा है. अपने नाम के कारण और आप एक चरवाह होने के ये नाम के कारण आप उनकी अगुवाई करो. आणि तुमचं नाव तुमच्या लोकांबरोबर जुळलेलं आहे म्हणून तुम्ही काय करा, त्यांची चांगली मेंढपाळ केली, उनकी अगुवाई करू, त्यांची त्यांचा पुढारी बन करा. हा, अपने नाम के कारण, स्वतःच्या नावाने आप उनके ऊपर प्रभु ने आपको चरवाहा बोलकर चुना है, की देवाने तुम्हाला त्यांच्यावरती मेंढपाळ म्हणून निवडले, इसलिए उस नाम के कारण उन्हें चराओ. आणि त्या नावामुळे तुम्ही त्यांना सोडून देऊ, उन्हें त्याग म्हणतो, त्यांचा त्याग करून जो चाहिए वो बराबर से लेकर चलो, त्यांना जे पाहिजे ते बरोबर तुम्ही घेऊन प्रार्थना करवा, प्रार्थना करू. इसका अर्थ है आप एक ऐसे चरवाहे होने चाहिए की आप अपने घर की प्रार्थना लीड करने वाले, आणि तुम्ही एक असे मेंढपाळ असले पाहिजे की तुमच्या घराची प्रार्थना तुम्ही लीड करता, आप खुद प्रेयर में बैठना चाहिए, तुम्हें सदा प्रार्थना घर में सबको लेकर बैठना चाहिए. घूम बस तू बस तू बैठ, मैं नंतर बस मैं बाद में बैठता, तू बस तू बैठ बाद में आऊंगा, नंतर ये तू शुरू कर, तू शुरुआत कर मैं आता हूँ, ये तो ऐसा नहीं, तुम शुरू करो, अरे ऐसा नहीं तुम्ही शुरू करा. यानी आप एक लीडरशिप चरवाहे गिरी आप अपने हाथों में लेनी चाहिए, आणि जे पुढारी पण आहे तुम्ही स्वतःच्या हातामध्ये घेतलं पाहिजे. चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा. आप डरपोक और विपत्ति से डरने वाले नहीं होने चाहिए. अंतिम विद्या ने परिस्थिति ला खबर रखा है, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले होने चाहिए. अंतिम देव और भिस्तोड़ी होना जैसे आगे तेरे छोटे और तेरे गांठे से मुझे शांति मिलती है. आप परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले और शैतान से लड़ने वाले होने चाहिए. आपके पास अथॉरिटी, इसके पास अपने लोगों को चराने की भी और शैतान को मारने की भी, ये अथॉरिटी आप लेनी चाहिए. तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है. आपके लोग के लोगों के जो शत्रु है उनके सामने आप अपने लोगों का अच्छा करना चाहिए. अभी आपकी बीवी के सोचो, अगर आपकी बीवी है, आपकी बच्चे है, उनके ऊपर कोई जलता होगा तो आप उनके सामने बोलोगे क्या ये मेरी बीवी है बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो जलने वाले बोले सही है, तो बीवी को कैसे लगेगा. सताने वाले के सामने क्या रखा, प्याला रखा या विष का प्याला रखा, ऐसा मत करो.
अपने घर के लोगों की निंदा नालस की, शत्रु के सामने बुराई करना, किसी के भी सामने कुछ भी अपमानजनक शब्द बोलना नहीं करना, ये यहाँ सिखाता है। चरवाहा ऐसा नहीं करता है, भेड़ निर्बल है उसको ऐसा गिराता नहीं, अरे ये तो निर्बल है, किसी काम की नहीं है, फालतू है, खाली भूखड़ का मैं इसको घास खिला रहा हूँ, खाली भूखड़ का मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, मेरे लिए तो ये बोझ है, ऐसा वो चरवाहा नहीं बोलता। जिस भेड़ को जो सता रहा है उसके सामने वो और चारा रखकर उसका मान करकर उसको सम्मान करकर उसको उठाकर उसे संभालता है। जो कोणी त्या मेंढराला त्रास देत आहे त्याच्या समोरच तो आपल्या मेंढराची जास्त काळजी घेतो, त्याला जास्त जवळ करतो, चाहता है आप ऐसे चरवाहा। की तुम्ही पण असे मेंढरा करा, आपले लोगों को डाऊन मत करो, आणि स्वतःच्या लोकांना खाली तुच्छ किसी के सामने नीचे मत करो, आणि कोणासमोर ही तुच्छ जाणू नका। अभी हमने थोड़े समय पहले देखा कि वो हृदय को क्या बोले, पागल पागल। प्रभु पत्रस को लाओ, प्रभु पत्रस को चुड़ाओ, इधर हृदय आके बोली पत्रस आया है, पागल इधर की जाना। आणि प्रार्थना करते की पेत्राने याव, आणि इथे हृदय सांगते की पेत्र आले तर तिला म्हणतात तू वेडी आहेस, तू सटकले, तुझं लूज झाले कनेक्शन, त्याला कनेक्शन लूज हो चुका आहे। अपमानजनक शब्द था ना, तू पागल है, आणि अपमानजनक शब्द था की तू वेडी। बाइबल हमें बताती है हमें हमारे भाई को हमारी बहन को मूर्ख नहीं बोलना है, आणि बाइबल आपल्याला सांगते की आपल्या भावांना आपण मूर्ख वेडी नाही म्हणतो, हम हमारे लोगों को डाउन नहीं करना, नीचे नहीं करना, चरवाहा कभी नीचे नहीं करता। आपण आपल्या लोकांना कधी नीचे नाही लेखलं पाहिजे। आगे तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आप इस रीति से उनको अभिषेक करो, आत्मा से भरो, खुद भी आत्मा से भरो और उन्हें भी आत्मा से भरो। ही आत्मा ने भरा, स्वतः ही आत्मा ने भरा, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ, जिंदगी भर उनके साथ अच्छा रहो। चरवाहा ये काम आप करो कि जिंदगी भर उनके साथ अच्छा रहो। भेड़ों का स्वभाव है निर्बलता, कमजोरी, धोखा देना, भटक जाना, लेकिन आप भी उनके साथ अच्छा रहो। आप उनके साथ वो भटक जाते बोल के छोड़ मत दो। आणि मेंढरा निर्बल असतात ते आपल्याला सोडून निघून जातात, ते भटकवण्यामध्ये येतात, पण तुम्ही मेंढपाळ आहात, तुम्ही त्याच्यावर चुकीची वागणूक करू नका। प्रभू चाहताय की आप प्रधान हो जाओ, आणि देवाची इच्छा की तुम्ही प्रधान होने से पहले प्रभू चाहताय ऐसे चरवाहे बने जो भेड़ों को अपने घर के, अगर आप घर के लोगों को ही संभाल नहीं पाओगे तो फिर आप राजा बनोगे तो उतने बड़े लोगों को सबको कैसे संभाल पाओगे। आपके हाथ के नीचे आने वाले नौकर चाकरों को मजदूरों को कैसे संभाल पाओगे। आणि तुम्ही मेंढपाळ बनून जर जी तुमची मेंढरा आहे त्यांना सांभाळू नाही शकत, तर राजा झाल्याच्या नंतर जी मोठी प्रजा आहे त्याला तुम्ही कसं काय सांभाळू शकता, है ना। तो ज्यादा लोग आपके हाथ के नीचे आप उनको संभाल पाए इसके लिए पहले प्रभु आपको घर के लोगों को संभालने के लिए कहता है। आणि जास्त लोक तुमच्या हातामध्ये येतील आणि त्यांना तुम्ही सांभाळू शकाल ह्याच्यासाठी देव काय करतो, पहिले तुमच्या घरातील लोक तुम्हाला देऊन तुम्हाला पार। प्रभु ये चाहता है प्रभु, आणि देवाची इच्छा आहे की आप एक अच्छे चरवाहा बने, एक चांगले मेंढपाळ बना, ऐसे चरवाहा, असे मेंढपाळ जो प्रभु ने देखो उत्पत्ति से लेके रेवलेशन तक, उत्पत्ति अध्याय जो सबसे पहला उसमें परमेश्वर चरवाहा है, और आखिर के अध्याय रेवलेशन उसमें भी हम देखते हैं चरवाहा, यानी परमेश्वर चरवाहे गिरी में इंटरेस्टेड है, दिलचस्पी है। आणि उत्पत्ति अध्याय पासून प्रगटीकरणामध्ये पर्यंत तुम्ही वाचू शकता की तिथे मेंढपाळाबद्दल दिलेलं आहे, कारण देवाला मेंढपाळामध्ये आवड आहे। हम दो तीन वचन पढेंगे, दोन तीन वचन वाचू, हम पढेंगे भजन संहिता 78, स्तोत्र संहिता 78 उसका 72, साम स्तोत्र संहिता 78 78 और उसका 72। आणि त्याने आपल्या मनाच्या सरळतेने त्यांचे पालन केले, आपल्या हाताच्या चातुर्याने त्यांना मार्ग दाखवला। परमेश्वर चाहता है आप ऐसे चरवाही करे की खरे मन से, आणि अशी मेंढपाळगिरी करावी खऱ्या मनाने। आपको कोई जबरदस्ती कर रहा है या मुझे प्रधान होना है वो उद्देश्य मत रखो, आणि तुम्हाला कोणीतरी जबरदस्ती करते किंवा तुम्हाला प्रधान बनायचे म्हणून करू नका। खरे मन से चरवाही करो, खऱ्या मनाने मेंढपाळगिरी करा, और अपने कुशल अपने हाथों की कुशलता, यानी आपके हाथ में जो टेक्निक है कुशलता है उनसे तुम उनकी अगुवाई करो, आणि तुमच्या हातामध्ये जे काही चातुर्य आहे त्याच्याद्वारे तुम्ही त्यांना चालवा, ये प्रभु की इच्छा है। तो चरवाही का काम ऐसा है, अरे मेंढपाळाचं काम असं आहे। और हम पढ़ेंगे अजून वाचूया नीति वचन, नीति सूत्रे 11 अध्याय 11 प्रभु, नीति सूत्रे 11 अध्याय 11 उसका 14 त्याचं 14
शहाणा मार्गदर्शक नसल्यामुळे लोकांचा अधपात होतो, पण सुमंत्री बहुत असले म्हणजे कल्याण होते. जहां बुद्धि नहीं वहां प्रजा विपत्ति में गिरती है, इसीलिए कोई समझदार व्यक्ति होना चाहिए. अगर आप अच्छे चरवाहा हो, बुद्धि से चलाने वाले हो, तो आपके घर के ऊपर विपत्ति नहीं आएगी. आपके लोगों के ऊपर, आपके घर के लोगों में जितने जिनके आप चरवाहे कर रहे हो, उनके ऊपर कोई संकट नहीं आएगा. आज जर तुम्ही चांगले मेंढपाळ आहात, बुद्धिमानी तुम्ही तुमच्या मेंढरांना चालवता, तर तुमच्या घरासाठी कोणती विपत्ती येणार नाही आणि कोणतेही अरिष्ट येणार नाही. हम और एक वचन पढ़ेंगे, 15:22. 15:22 मसलत मिळाली नाही म्हणजे बेत निष्फळ होतात, मसलत देणारे पुष्कळ असले तर ते सिद्धीस जातात. अगर चरवाहा काउंसलिंग कर नहीं पा रहा है, आप अपने भेड़ों को समझा नहीं पा रहे हो, मार्गदर्शन नहीं कर पा रहे हो, तो भेड़ बिगड़ सकती है, नाश हो सकती है. अगर तुम तुमच्या मेंढरांना समजवू नाही शकत, मग तुमच्या मेंढरांचा नाश होऊ शकतो. क्या आपके घर के लोग नाश हो, ऐसी आपकी इच्छा है? आणि तुमच्या घरातल्या लोकांनी नाश व्हावं अशी तुमची इच्छा आहे का? नहीं ना, इसीलिए बुद्धि से सम्मति लेकर आप उनकी अगुवाई करो, उन्हें बीच बीच में काउंसलिंग करो. जैसे चरवाहा अपने भेड़ों को काउंसलिंग करता है, इकड़े जाऊ नको, इकड़े जाऊ नको, तिथे तो हाय, तू असं जिथं इथंच बसा, इकडं सोडून कळत सोडून जाऊ नका. ये चरवाहा अपनी भेड़ों से बात करता है. आणि एक मेंढरा काय करतो, आपल्या मेंढरांना समजवून त्यांना सांगतो की तू इथे जाऊ नको, तिकडे जाऊ नको. तो वैसे आप भी अपने जो जिन भेड़ों को आप संभाल रहे हो, उनके साथ फेलोशिप करो, उनके साथ बात करो, उनके साथ समय बिताओ. आणि ज्या मेंढरांना तुम्ही सांभाळत आहात त्यांच्यावर तुम्ही संगती करा, त्यांच्याशी तुम्ही बोला. आम्हाला अभी डिजिटल जमाना होने के कारण, डिजिटल जमाना झाल्यामुळे सबके हाथ में मोबाइल हो गया, सगळ्यांच्या हातात मोबाइल झाले. जो देखो वो मोबाइल में बिजी है, आणि जो ज्याला बघावं तो मोबाइल मध्ये आहे. हर कोई, प्रत्येक जण. पहिले ट्रेन में आपस में बातचीत करते थे, पहिले ट्रेन मध्ये आपापसात बोलायचे. अभी ट्रेन में सब लोग कोई लोग कान में गॉन डाल के, कोई किसी को बात करने में इंटरेस्टेड नहीं. आणि कोणालाही कोणाशी बोलण्यामध्ये काही आवड नाही. वैसे घर में भी यही हाल हो गया. घरात पण हे चालत झाले. एक जण दुसरे मोबाईल पे, दुसरा जण दुसरे मोबाईल पे, तीस पच्चीस दुसरे मोबाईल पे, सब लोग इधर बीवी भी खाना बना दे समय. तुझी मेरा सीरियल आई बोले काय करते. हा जरा बघून दिले, मध्ये जाईल जाईल, आजची सिरियल जाईल. सबके हाथ में, आणि सगळ्यांच्या हातामध्ये मोबाईल. इसलिए फेलोशिप करने के लिए, बातचीत करने के लिए, एक दूसरे को काउंसलिंग करने के लिए समय कहाँ है? आणि संगती करायला, एकमेकांशी बोलायला वेळ कुठे आहे? चरवाहा का ड्यूटी है फेलोशिप करवाना और उनको सलाह देना, उनको समझाना. आणि मेंढपाळाचं काम आहे संगती करून घेणं आणि त्यांना समजावणं. और एक वचन पढ़ेंगे, अजून एक वचन वाचते. 24:6 शहाणपणाने व्यवस्था करून युद्ध चालव, बहुत सुमंत्री असल्याने यश मिळते. आणि 11:5 सात्विकाची नीतिमत्ता त्याचा मार्ग नीट करते, पण दुर्जन आपल्या दुष्टतेने पतन पावेल. चरवाहा सच्चा होना चाहिए, मेंढपाळ खरा असला पाहिजे. उसके अंदर दुष्टता नहीं होनी चाहिए, अपने घर के लोगों के लिए दुष्टता नहीं होनी चाहिए. आणि त्याच्यामध्ये स्वतःच्या घरातल्या लोकांसाठी दुष्टता नाही असली पाहिजे. प्रियो, आज प्रभु हमसे यही चाहता है. आणि कारण आज देवाला आपल्याकडून हेच पाहिजे. प्रभु ने आप सबको चरवाहा बोलकर चुना है. आणि देवाने तुम्हाला सर्वांना मेंढपाळ म्हणून निवडले. आप अपने लोगों को अच्छा चराओ. तुम्ही तुमच्या मेंढरांना, अगर आप अपने घर के लोगों को परमेश्वर के सामने, अब परमेश्वर देख रहा है कि आप अच्छे चरवाहा हो. आणि देवाच्या समोर देव तुम्हाला पाहत आहे की तुम्ही चांगले मेंढपाळ आहात. आगे जाके आप प्रधान बनने के लिए विलंब नहीं लगेगा. आणि पुढे जाऊन तुम्ही प्रधान बनण्यासाठी उशीर नाही लागणार. राजा बनायचे. अभी ये तो चलो पुरुषों का वचन था. आणि पुरुषांचं वचन आपके लिए भी है, तुमच्यासाठी पण आहे. आप भी किसी को प्रभु के पास लाए हैं. आणि तुम्ही कोणालातरी देवाजवळ आणले आहे. आणले आप चरवाहा होऊन तुम्ही पण मेंढपाळ आहात त्यांचे.
आप तो नहीं चढ़वा तुम्हें तो मेरे आप अपने घर के हैं तुम्हें तुम्हारे घर आज जब आप किसी को लाते हो यीशु में जब आप पढ़ा तुम्हें यीशु में आता आप किसी को भी एक आत्मा को भी अप्लाई ना चढ़वा हो उसके हो जाते एक आत्मा ना जब तुम्हें अंडक तुम्हें जैसे मेंढपाड़ करता आपका ड्यूटी होता है उन्हें चराना तुमचा कर्तव्य है त्यांना चालवणं उनका ख्याल करना त्यांची काळजी घेणं उन्हें इकट्ठा करना त्यांना एकत्रित त्यांचा संभाल करना त्यांना सांभाळून उनका केअरिंग करना त्यांची काळजी घेणं उन्हें लग्नेवरील जरूरत को प्राप्त करने के लिए मदद करना त्यांच्या लागणाऱ्या गरजा त्यांना प्राप्त करण्यासाठी मदत करणं ही आपका काम है आणि हे तुमचं काम आहे आप भी चरवा आहो म्हणून तुम्ही मेंढपाळ आहात तो इसलिए ऐसा मत सोचो रे आज वचन आपल्याला नाही पोषण ना है और ऐसा मत सोचना कि आज का वचन पुरुषों के लिए हमारे लिए आप भी प्रधान बनोगे तुम्हें प्रधान बना याद रखो लक्षण अगर आपने अच्छा चरवाही गिरी किया तो आगे आपको प्रधान जरूर बनोगे आप राजा जरूर बनोगे जब चांगली मेंढपाळ गिरी केली तो तुम्हें पुढे जाऊ नक्की प्रधान बनाल राजा बनाल जरूर नक्की अभी जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने तो कभी नहीं सोचा था मैं चरवाहा बनूंगी उदाहरण कभी विचार किया था कि मेंढपाळ बने पर मैं मॉनिटर की क्लास प्रभु मुझे आपको संभालने का ड्यूटी दी है आज देवन तुम्हारा संभालने का काम मैं ऐसे नहीं कहती कि मैं मॉनिटर होते समय गलती नहीं किया मैंने से कोई गलतियां हुई है क्योंकि प्रभु की वेदी पे झूठ नहीं बोल सकते मॉनिटर जुड़ा चुप रहेगा था हिलता ही नहीं था क्योंकि हिला तो भी मैं बोलती थी प्रकाश हल्ला त्याने मस्ती केली त्याने आवाज केला उसका हिलना भी आणि त्याचा हल्ला सुद्धा मुझे अच्छा नहीं लगता मला आवडत नसायचं इसलिए प्रकाश ऐसे ही बैठता था आणि म्हणून प्रकाश एकदम स्तब्ध बसायचा की उसको मार मिळता था ना कारण त्याला मार भेटायचा कारण माझ्या वर्गात खरंच प्रकाश नावाचा मुलगा होता म्हणून मी सांगते उदाहरण त्या प्रकाशाला नाही पकडले तीच एक थोडेशा चुका केले पण मी दुसऱ्यांप्रमाणे चांगली पण मी दुसऱ्यांनी साथ अच्छे दिले परमेश्वर हमारे हार्ट को देखता है आणि देव आपल्या हृदयाला बघतो परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे चरवाहा का हृदय रखे हर एक भेड़ों के लिए आणि देवाची इच्छा आहे की मेंढपाळाचा जो हृदय आपण प्रत्येकाने ठेवावा तर परमेश्वर हमें प्रधान बनाए तेव्हा देव आपल्याला प्रधान बनवेल राजा का स्थान देगा राजाचं स्थान देगा हमें भी राज्य देगा आणि आपल्यालाही राज्य देईल इसलिए तो हम गीत गाते हैं पिता को भाया है अमित राज्य दे दुनिया की सृष्टि से जाएंगे उत्तम देश में जरूर रहेंगे प्रभु के साथ जरूर इसलिए प्रियो अच्छे चरवाहा बनो आणि म्हणून प्रियो चांगले मेंढपाळ निष्ठुर कठोर चरवाहा मत बनो निष्ठुर आणि कठोर असे तुम्ही मेंढपाळ बनू नका घर मी जाके एजेकेल 34 जरूर पढ़ो आणि घरी जाऊन एजेकेल 24 नक्की वाचा जिसने उसने परमेश्वर ने उत्कृष्ट चरवाही की भर्सना की है आणि त्याच्यामध्ये देवाने जो दृष्ट मेंढपाळ आहे त्याची भर्सना केलेली आहे जो कठोर था जिसने भेड़ों को तकलीफ दिया संभाला नहीं आणि जो कठोर होता त्याने आपल्या मेंढरांना चांगल्या पद्धतीने सांभाळलं नाही उनको परमेश्वर ने कैसे उनके कहा कि मैं तुम्हारी चरवाही गिरी तुम्हारा निकाल दूंगा आणि देव त्यांना म्हणाला की तुमचं जे मेंढपाळ गिरी आहे तुमच्याकडे मी तुम्हाला शासन करूंगा मी तुम्हाला शासन मी तुम्हाला शिक्षा दूंगा तुम्हाला मी शिक्षा देईन प्रियो परमेश्वर से शिक्षा मत लो आणि प्रियानो देवाकडून शिक्षा घेऊ नका परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है परमेश्वर चाहता है आप प्रधान बने आणि देवाला तुम्हाला आशीर्वाद द्यायचा आहे आणि देवाची इच्छा आहे की तुम्ही प्रधान बनावं हालेलुया हालेलुया आप चरवाहा हो आणि तुम्ही मेंढपाळ अच्छा चरवाहा बनो चांगलं मेंढपाळ बना जिन भेड़ों को प्रभु ने आपके हाथ में दिया है उनमें से एक भी खो मत आणि जे मेंढर देवाने तुमच्या हातात दिलेले आहे त्याच्यामध्ये एकाने तुम्ही गमवू नका हरवू नका अगर कोई शत्रु के हाथ में मुंह में गई तो उसके मुंह से निकाल लो अगर कोई शत्रु का तोंडा मध्ये गेली जसे तर त्याच्या तोंडातून मुंह तिला काढा अपनी भेड़ को खोने मत देना आणि आपल्या मेंढरांना हरवू शैतान को खाने नहीं देना शैतानला खाऊ देऊ नका उस शैतान से लड़कर
अपनी भेड़ को छीन लेना, अंडे शैतान से लड़ू आपने मेढा का तुम्हें छोड़वा, भेड़ों की रक्षा करना, मेढा से रक्षण कर, प्रभु आप आशीष दे, देव का आशीर्वाद और प्रार्थना दे, या हम प्रार्थना करो। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आती, प्रभु आपने इन सबको चरवाहा बोलकर चुना है और इसलिए चुना है ताकि तेरी इच्छा की आगे जाके राजा और इस जगत में प्रधान बने, प्रभु बड़े स्थान पर हो जाए प्रभु। इसलिए मेरे मान पवित्र पिता ये चरवाही अच्छी रीति से करने के लिए सहायता कर, इनकी तो सुगी ले प्रभु, इनकी तो मदद कर प्रभु। इसलिए जो जो भेड़ इनके हाथों में दी है, इनके अंडर आई है, उनका अच्छा ख्याल रखे, उनको अच्छा रीति से संभाले प्रभु, ताकि तेरी शिक्षा नहीं तेरी ओर से इनकी पड़ती हो जाए प्रभु। जो चरवाहे अच्छे नहीं उनकी उनको आप शासन करते, उनको शिक्षा करते, और आपसे शिक्षा नहीं परंतु आपसे आशीष और बढ़ती मिले, यही मेरी प्रार्थना है। इसलिए मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता इनके जीवन में आने वाला हर एक गोलियां इन्हें फेमस करने के लिए है, परमेश्वर के राज्य में और शैतान के राज्य में भी एक हीरो और परमेश्वर का जन बनाने के लिए इनके जीवन में प्रभु समस्याएं आती है गोलियां जैसी, लेकिन इन्हें हारना नहीं है। जैसे दाविद गोलियां से लड़कर विजयी हुआ, वैसे इन्हें हर क्षेत्र में विजय पाने के लिए तो मदद कर और इन सबको तो फेमस करना चाहता है। जैसे दाविद को तुम्हें पृथ्वी की छोर तक सुना, आज तक उसका नाम बड़े नामों में पड़ा है, आज इस पृथ्वी पर जितने बड़े बड़े नाम है उन सब नामों में तुमने दाविद का नाम किया, वैसे ही प्रभु आज इस पृथ्वी में जितने बड़े बड़े नाम है उन सभी लोगों में इनका भी नाम तो करना चाहिए। इसलिए पिता इन्हें इनके जीवन में आने वाले गोलियां से हारे नहीं, निराश हुए नहीं, आपका नाम लेकर उससे लड़े, सामना करे और जय प्राप्त करे। और इन्हें जो तूने चरवाहे का काम दिया है, क्योंकि तू भी एक उत्तम चरवाहा है, वही सेम काम ये लोग अच्छे रीति से करने के लिए मदद कर, इनकी सुधि लेना, इनकी रक्षा करना, आंखों के पुतली के समान इन्हें संभाल लेना, दुष्ट से बचाए रखना, धन मान सम्मान से दीर्घायु से तृप्त रखना, सदानंदित रहने के लिए सहायता, इन सबको यीशु के नाम से कवर करते, सारा आदर सारी महिमा सारी प्रशंसा सारा गौरव मैं आपको देती हूँ, प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं।